इंदौर में श्रीराम निराश्रित आश्रम से महिला को व्हाट्सएप पर अनर्गल बातें करने का मामला सामने आया है, जिसके चलते इंदौर में वी केयर फॉर यू कार्यालय जिला में थाना परदेशीपुरा क्षेत्रांतर्गत रहने वाली आवेदिका नंदिनी द्वारा शिकायत की गई थी कि आवेदिका के मोबाइल नंबर पर अज्ञात नंबर से अनर्गल मैसेज कर परेशान करता था। लगभग 3 माह से आवेदिका को अज्ञात नंबर से दोस्ती करने का दबाव बना रहा था, जिसका विरोध करने पर आवेदिका को उस अज्ञात व्यक्ति द्वारा धमकाया जा रहा था। जांच के दौरान यह तथ्य प्रकाश में आया कि आवेदिका तथा आरोपी कमल अग्रवाल दोनों पहले से ही परिचित हैं। आवेदिका पहले आरोपी कमल के स्कूल में शिक्षक के पद पर कार्यरत थी। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जांच शुरू कर दी है। क्राइम ब्रांच में एक आवेदिका के द्वारा एक शिकायत दी गई थी कि कोई अज्ञात व्यक्ति है जो उसको अनावश्यक अनर्गल मैसेज करता है, परेशान करता है और जो गंदी नियति से उसके साथ में मतलब बातचीत और जो सोशल मीडिया के माध्यम से बात करता है। इसकी जब जांच की गई है तो जांच में महत्वपूर्ण बात है कि जो अनावेदक है मतलब आरोपी है वो उसी के साथ में काम करने वाला एक शिक्षक निकला जिस स्कूल में दोनों काम करते थे और उसकी शिकायत पर ये जो कमल अग्रवाल नाम का नंदी है उसको पकड़ा गया है। ये परदेशीपुरा एरिया का रहने वाला है और इसमें जो